हाय दोस्तों, मैं हूं रवि। आज सुशांत सिंह राजपूत का जो फैसला आया है, आप लोग सभी ने देखा है। तो दोस्तों, ये जो सीबीआई जो जांच होने वाली है, अगर ये सही से अगर जांच हो तभी बड़ा बड़ा लोगों का नाम आएगा। बहुत से लीडर, बहुत से पॉलिटिकल, बहुत से राजनेता, बहुत से एक्टर, यानी कि बहुत से लोगों का नाम आएगा। तो दोस्तों, सीबीआई जांच, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि सीबीआई जांच हो, तो सीबीआई जांच जो हो उसके लिए सब चीज़ सही है, ठीक है, वो होना ही चाहिए। सीबीआई जांच उनके लिए अप्रूव जो किया ये सुप्रीम कोर्ट ने कि सीबीआई जांच होना चाहिए, तो दोस्तों अगर सीबीआई जांच अगर सही पूर्वक, अगर सही ढंग से, अगर सही विचार पूर्वक धारा से हो तभी दोस्तों ये सुशांत सिंह को न्याय मिलेगा। क्योंकि आप देख रहे होंगे दोस्तों, मुंबई पुलिस ने सिर्फ राजनीतिक के दबाव के कारण ही, पॉलिटिक्स के दबाव के कारण ही उन्होंने ये इस केस को डिले किया, और डिले किया वो जांच में भी सहयोग नहीं किया। बहुत ऐसा एविडेंस है, बहुत ऐसा सबूत है जिसके कारण उन्होंने बहुत छिपाया। और बहुत, अब देखिए अब क्या होता है, अब वो सीबीआई वाला को अब पूरा पूरा सबूत जो है वो देता है या नहीं देता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि क्या होगा। अब इसमें क्या है कि मान लीजिए बहुत लोगों के क्या है कि पैसा फेंक दिया, अरबों खरबों रुपया है, मान लो कुछ पैसा दे ही दिया, 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ दे ही दिया, तो आपको क्या लगता है? बहुत ऐसा लोग है जो बिकने के लिए तैयार है इस भारत में। आज अगर हमारा भारत का अगर सिस्टम सही रहता तो आज हर एक को न्याय मिलता, हर एक को न्याय मिलता। लेकिन आज बहुत ऐसा केस है जो आज पेंडिंग है, बहुत ऐसा केस है जो आज पेंडिंग है। तो दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सुशांत सिंह का मामला को आवाज़ उठाएँ, और सीबीआई जांच जो हो रहा है वो होने दें, और वो हो रहा है वो सही है। और दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों, कि जब तक हम लोग इस बॉलीवुड एक्टर लोग को, एक्ट्रेस लोग को ब्रेकआउट नहीं करेंगे, उसका फिल्म का विरोध नहीं करेंगे, तो दोस्तों तब तक सुशांत सिंह राजपूत का न्याय नहीं मिलेगा, उसका अंतिमा को शांति नहीं मिलेगा। जय जय हिंद फ्रेंड, जय दोस्तों।